किस्सा होगा फूल सिंह नौटंकी कि जब वो फूल सिंह की भाभी फूल सिंह ने ताना मार देती है, कह रहे फूल सिंह तुझे कोई और काम नहीं है, तू रात दिन मुझसे ही काम करवाता है, अगर तुझे इतने ही काम की चाह है तो तू अपनी शादी कर ले, तेरी भी घरवाली आ जाएगी। तो आई किस प्रकार से वो फूल सिंह इतनी बात सुन के अपनी भाभी की नाराज हो जाता है। वो भाभी अपने देवर से क्या कहने लग जाती है, हमारे हरियाणा की बड़ी सुपर सिट रागनी, हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा मांगे राम जी की लेखनी से रागनी लिखी हुई है। आइए कोशिश करते हैं आपके सम्मुख रखने की, क्या लिखा और क्या कहने लग जाती है वो भाभी, सुनेगा। हेलो, और क्या कहने लग जाती है, दिखे मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। भाई सामने हमारे बाबा जी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे तो समझ लो भाभी और इसने समझ लो मेरा देवर, ठीक है, सही है, बढ़िया सुंदर जवान भाभी मिल रही है, ताली तो बजा दे। और क्या कहने लग जाती है, दिखे मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। या तेनी भै नहीं तकरार चले, हो मैं तो रो रो रुधन मचा दूंगी जे जागा कर दार चले, मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, डिबे नहीं तकरार चले, रो रो रुधन मचा दूंगी जे करते बाहर जड़े, मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। जीजा साली कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा प्रेम, बड़े नटखट रिश्ते बोले जाते हैं इन्हें देवर भाभी जीजा साली के। कहन लगी वो भाभी, कह रहे देवर मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ और तू मेरा देवर है, बड़ी भाभी माँ के बराबर होया करती है, अरे मैंने तुझे गुस्से में दो बात क्या कह दी, तू तो घड़ा छो में आ गया, और पहली बात में के कह लगी। हाँ, बड़ी भाभी ने छोटे देवर का चाहिए परण पा लेना, पति के कहे ने नाट भी जाते देवर का नहीं डाल लेना, बोल चुपा के बैठ महल में के चाहिए तनहा लेना, ऐसा दरखत कौन जगत में जिसके लागी ऊपरी बाड़ना, ऐसा दरखत कौन जगत में बाड़ना, जय मिल जाता ने बलद चालना, जय मिल जाता ने पलंग चालना, लाया करते आर जड़े, आर जड़े तू लावेगा ते पूरा कह
मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। हाँ ओहो कहन लगी वो भाभी केरे देवर ये दुनिया है भारत वर्ष है हिंदुस्तान है अगर किसी मूर्ख आदमी को समझा दे तो कुछ हमारा घट नहीं जाएगा किसी अंधे को राह दिखा देंगे तो हमारा कुछ घट नहीं जाएगा अगर मैंने तुझे थोड़ी सी सलाह दे दी तो तू मेरी बात का इतना बुरा मान गया और दूसरी बात में क्या लिखा रागनी को सुनोगे समझोगे तो ध्यान में आएगा आपके गृहस्थी जीवन में भी काम आएगी आई दूसरी बात में क्या लिखा कैसे हेलो हेलो चतुर आदमी का घट जाते मुंह रखने समझाते आख्याड़ का के घट जान देने राह दिखा बड़ी भाभी हो मात बराबर एक बार रोब जमा दे बड़ी भाभी का के गिल्ला जे हसिया में धमका बेटे परवीन मार हेलो हमारी माता बहनें भी बैठी हैं यहीं रखो इसको और क्योंकि कहा किसी ने लिखा और बड़ी अच्छी बात लिखी कि नार नहीं नौ रंगी है और नौ रंगी नहीं रस रंगी है कि नार नहीं नौ रंगी है और नौ रंगी नहीं रस रंगी है अरे रस रंगी नहीं सतरंगी है और ढकले सारे कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है, नंगी है। कहन लगी देवर घड़ी देर हो गई तुझे कहन लगी वो भाभी कि देवर बहुत देर हो गई तुझे तू मेरी बात नहीं मान रहा अगर अपनी सी पे आ गई तो तेरे घर का सत्यानाश नहीं अठ्यानाश कर दूंगी और तीसरी बात में के कहन लगी सुनेगा हाँ ओहो छोरी लड़ पीड़ क्या तू तू बड़ा महल में रोटी तक भी ना खाई पहाड़ बराबर रात बीत गई नींद तलक भी ना आई छो में आके दमकाया था फिर पाछे से पछताई ते गाल कर सिर पे चढ़ गया वो तेरा बड़ा भाई
पाच आंगड़ी तक ना आई फेरा की गुणकार जड़े झाड़ झाड़ के पकड़ाऊ मेरे सर में जूते मार जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर यही बात ही बात जी किस प्रकार से आखिरी बात में हमारे हरियाणा के सुने कवि दादा मांगे राम जी ने क्या लिखा और क्या बताया आइए मास्टर जी यही बात सार जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर निभे नहीं तकरार जड़े रो रो रुदन बचा दूंगी छे जागा कर दबार जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर